जिला रिपोर्टर को आपमन को स्वागत कर दर्शक बंधु मु तपन तेज दर्शक बंधु आउ डेरी न कर चलत आरंभ करवा जिला रिपोर्टर और देखा आम प्रतिनिधि माने आज ग्राउंड जीरो रे क्यों जिले उपस्थित अच्छे और सेठाकर समस्या बाबद अधिक तथ्य कौन दे आसो नजर पकड़ा जिला रिपोर्टर पूजा उपलक्षे बारस जिला सिमुलिया ब्लक अंतरा ग्राम पंचायत उत्कल युव समाज संगठन कर्मकर्ता द्वारा सफे कार्यक्रम अनुषित हो जाएगी विशेष करके सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामांचल सफा रखापी जो मंतव्य कर रखा जाकू अनुधान कर संगठन विभिन्न ब्लॉक रो विभिन्न ग्राम रे सफे कार्यक्रम दीर्घ दिन हम कर संगठन रो मुख्य सनातन बेहरा द्वारा अनुषित यही कार्यक्रम बहु कर्मी माने एक सामिल होते एक संगठन रे पखापाखि 50 सदस्य माने यही पंचायत विभिन्न सरकारी और बेसरकारी स्थान रे झाड़ू मारी सफा करने सहित अड़िया गुड़ा सफा करते बड़ कथा हूँ यही ग्राम रे ग्रामवासी को सचेतन कराई कि सफा सुता रे कि सुस्थ समाज गठन हो मोबाइल दोकानी रिचार्ज न करिवारु मोबाइल दोकानी एवं तांगा पुओ को आक्रमण करा जायछि। एभली घटना घटी आनंदपुर उपखंड घसीपुरा थाना रेकुटिया कॉलेज निकट रे जैनक व्यक्ति दोकान देइथिला बेले जने युवक आसी मोबाइल रे रिचार्ज करिया पई तांग कहिथिले से मोबाइल रिचार्ज न करिवारु ताको एक खंडा सहजरे दोकानी को एवं ताको पुओ को आक्रमण करथिले। गुरुतर अवस्था रे उभयू उधार करा जाई आनंदपुर उपखंड मेडिकल भर्ती करा जाई लिखित आकार रे घसीपुरा थाना रे मोबाइल दोकानी एवं ताका पुओ अभिजोग करिया परे पुलिस गुरुतर सह घटना को नहीं तदंत जारी रखी। स्वच्छ और सुस्थ समाज गठन करने केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न योजना माध्यम कोटी कोटी खर्च करस विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन मध्यम अनेक पैसा अर्थ खर्च करते अनेक ग्राम और विभिन्न सहरांचल डाकवा जंत्र मध्यम किपर भाव सुस्थ समाज स्वच्छ समाज गठन हो पार से निम्ते स्वच्छ रही सुस्थ रही से विभिन्न प्रकार योजना मध्यम लोकों को सचेतन करछन्ति किंतु एथि सह मध्य केवल सरकार नुहे जदि प्रत्येक ग्रामर ग्रामवासी माने मध्य किछि सचेतन हेबे ताहा द्वारा मध्य से सुस्थ समाज गठन हो पार तेणुक आज मालकानगिरी एम बी 16 ग्रामर किछि ग्रामवासी माने किछि एसएचजी महिला मानक द्वारा एम बी 16 ग्राम को स्वच्छ रखापी सफा कर ग्राम किपर सफा रही से मध्य एक शपथ पाठ कर एक राली कर गाँव समस्त घरे घरे बुले सचेतन कर पवित्र महम्मद जन्म जयंती धामनगर कदम रसुल ठारे कोरोना कटकणा भितर पालित हो जाएगी तेरे धामनगर कदम रसुल पीठ से प्रत्येक वर्ष हजार हजार श्रद्धा भिड़ देखा मिले कोरोना कटकणा पर राज्य सरकार तरफ पीठ को संपूर्ण बंद कर जेपरी श्रद्धा मैंने पीठ भितर को न जापरिए से नहीं मध्य पीठ से संपूर्ण ताला पका जाए अंपटे जदि कहीपर आखपाख जिलार जो आखपाख अंचल रहा जो मुसलमान भाई मैंने आसती महम्मद जन्म जयंती पालन करने से पीठर बाहर दर्शन करने सहित जहाँ रही रीतनीति सब पालन कर महम्मद जयंती को खूब निराड़ित पालन करपटे जदि कह प्रत्येक वर्ष ए पीठ से हजार हजार श्रद्धा भिड़ जमती जेहेतु एथर चलित बर्ष कोरोना कटकणा रही लगातार 2 वर्ष भाव संपूर्ण बिना भक्त इठाकार महम्मद जयंती पालन करपटे जी कह धामनगर पुलिस प्रशासन पक्षर पीठ से व्यापक पुलिस मुतयन करपटे श्रद्धा मैंने जो मैंने आसुच्चे पीठर बाहर दर्शन करने सहित जहाँ रही पूजापाठ जहाँ रही सेगुड़िक राजनगर व्यवसायी अशोक कुमार प्रधान दिन दुईपहर दुर्वृत्त माने बाइक रे आसी पाखापाखि 4 लाख टंका लुटि नहीं राजनगर थाना रे अभियोग होता आम जदि देखिबा अशोक प्रधान सेंट्रल बैंक रु 4 लाख टंका उठाइबा परे से घर को आसी थिले एवं थाना ठारु मात्र 500 मीटर दूर रे
घर रही घर को जीवा समय दुर्वृत्त मैंने फलो कर आसी बाइक रे दुई जन दुर्वृत्त आसी तांकु धक्का मारी तांकठारु टंका छड़ाई नहीं जाइथिबा अभियोग होइतला किंतु जदि देखिबा थाना रे अभियोग हेबा परे पाखापाखी एही घटना को एक सप्ताह रु ऊर्ध बीती गलानी किंतु आज भी राजनगर पुलिस हाथ खाली रही केउटिना केउटी दुर्वृत्त माने मध्य फेरार अछंती पुलिस सेमानंकु धरिबारे एक प्रकार विफल होई तेणुकरी प्रश्न उठुची एमिति छोट बड़ घटना राजनगर अनेक घटुची केउटिना केउटी पुलिस सेमानंकु धरिबारे मध्य विफल हेउतबा अभियोग हेउची तुरंत या उपरे कार्यानुष्ठान नेबार आवश्यकता रही कारण दिन दुई पहर रे जेतेबेले दुर्वृत्त माने आसुचंती पाखापाखी 4 लाख टंका लुटी नहीं जाउचंती ये गोटे छोट कथा नुहे राजनगर अंचल रे विभिन्न समय रे विभिन्न घटना दुर्घटना घटी किछि मात्रा रे पुलिस अभियुक्त मानकु बा दुर्वृत्त मानकु धरिबार सफल होइतबा बळे किछि घटना रे आज पर्यंत पुलिस हाथ मध्ये खाली रहउचि। राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी और हरिजन को अंचल को विकास करने सहित यही आदिवासी परिवार मैंने किभरी सरकार को विभिन्न योजनार संपृक्त हेबे और समस्त सहयोग पाइबे से लक्षाधिक टंका खर्च कर विभिन्न योजना लागू कराऊ किंतु यार बहु जगार व्यतिक्रम देखा मिली विशेषकर बालसर जिला ओपदा ब्लक सामसंदुर पंचायत गुड़ीखोला गाँव में भुट्टा माझी जड़े आदिवासी युवक जेकि 9 संतान यही 11 कुटुंब को चलिया बहुत कष्ट होइतले मध्य सरकारी सहाय ए जाए पाखकु किछि मिली ना नीलगिरी देवगिरी पहाड़ पादेश में रोथुआ भुट्टा माझी तांको बर्तन बारंबार सरकारी सहाय निवेदन करते ना घर अच्छी ना तांको राशन कार्ड मिली बारंबार सरकारी कर्मचारी को पाखरे जोर जोर न्यायंत होइतले मध्य वर्तमान यही 11 कुटुंब चलिया बहुत कष्टकर होइछि। यही आदिवासी परिवार को सहाय करने जनसाधारण निवेदन करते ए जाए पाखर किसी साय पाई अनेपटे जी देखा जाए यही आदिवासी अंचल बहु गरीब अच्छा जो मानकर निहत आवश्यक होते ए जाए पाखर सरकारी योजना पहुँची पारना माटी दीपरे दीपटे जाली घर को आलोक कले दीपावली रे पितृपुरुष मानंकु शांति मिली थाए एहिपरि विश्वास रे दीपावली रे समस्त लोक माने दीपटे जाली घर को आलोकी करिथांदी एवं घर को सजाई थांदी किंतु आधुनिकता समाज रे एबे माटी दीपर चाहिदा धीरे धीरे कमिबार लागिछि। विभिन्न चिकिमिकी लाइट रे लोक माने ताकु आदृत करी घर सजाउथा बळे माटी दीप को एबे अणदेखा करुछंती जहाँ कारण विगत वर्ष माटी दीपर चाहिदा कमी आसीला किंतु एबे चलित वर्ष कोरोना कटकणा यही जो चाहिदा को आहरी कमे दे सरकार को तरफ दीपावली पालन को लेकिन कटकणा जारी हाँ पर दीप बिक्री को लेकिन एबे लोक माने चिंतार रही सेपर एक गाँ हूँ केन्दूर जिला घट गाँव हलधरपुर गाँ जो कुंभार संप्रदायर लोक मैंने दीपावली को अपेक्षा करटी दीप बिक्री कर दुई पैसा रोजगार करने दीप बनई सारी किंतु एबे बिक्री को पई तांको मनरे एबे अनिश्चितता रही। नयागढ़ निर्वाचन मंडल स्तर विजु जनता दल पक्ष दलय कार्यालय एक मिश्रण पर्व अनुष्ठित होई जाइछि। ए मिश्रण पर्व रे बीजेपी एवं कांग्रेस छाड़ी 30 अधिक नेता एवं 300 अधिक कर्मी बीजेपी दल रे जोग दैछन्थि। ए कार्यक्रम रे कृषि एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अरुण कुशाउ उपस्थित थिला बेले ए कर्मी माने ताको नेतृत्व को स्वीकार करी दल रे जोग दैछन्थि। अन्य पक्षरे नवीन पटनायक स्वच्छ शासन एवं अरुण साहू को नेतृत्व को सेमाने स्वीकार करथिला बेले बीजेडी एवं कांग्रेस को सेमाने विभिन्न समय रे समालोचना करथिन्थि। तबे पंचायत रे बीजेपी एवं कांग्रेस रो कोनो स्थिति नथिया बेले सेमाने केवल मुह फुटाणी मारी निर्वाचन लड़ुचंती एवं निर्वाचन पर पराजय शिकार बारंबार शिकार कलापर मध्य सेमाने ए निर्वाचन रे कर्मी मानकु अणदेखा करथिया सेमाने अभियोग करचंती। अन्यपक्षे कर्मी मैंने हतोत्साहित हो बीजेडी दल को सेमाने आदर नहीं सेमाने कहिचंती। अन्यपक्ष आगामी दिन में बीजेडी को संगठन को मजबूत करने कार्य करेंगे तेरे बीजेपी एवं कांग्रेस दल को शक्त झटका लगता बेले आगामी दिन में पंचायत निर्वाचन आसने बीजेडी कर्मी उत्साहित हो उठते बालीगुड़ा
ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ 2022 ପାଇଁ ଏକ ଇସ୍ତାହାର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି କଥାକୁ ଏଇଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେପରି ITDA ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତିବର୍ଗ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ରହିଛି NRGS କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। ଏହି ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନାମ ନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନକୁଲ ନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଇସ୍ତାହାରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଲ୍ଲିବ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପିଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଟାଟା ମାଇନ୍ସ ଏବଂ ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଥିବା କୈଥ ଟିକିରି ଗ୍ରାମରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ 2 ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ମିଶିଥିବା କାରଣ ଏହି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଉପଚାର ବା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନଦୀର ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ତାକୁ ନିରାକାର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟରକୁ ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।